हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद है और आज मैं एक दफ़ा फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से दराज़ पे ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। और बहुत से लोग नहीं जानते कि दराज़ पे ऑनलाइन शॉप किस तरह से की जाती है, तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने दराज़ की जो ऐप है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर देना है प्ले स्टोर से। अगर आपके पास मौजूद नहीं तो इसको डाउनलोड कर लें, और मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आप यहां से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जो भी आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं इधर शर्ट्स लिखता हूं, टी शर्ट्स फॉर मैन। तो मैंने इधर टी शर्ट्स आ चुकी हैं, तो जो आपकी पसंद की जो शर्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओपन कर दें, ठीक है। तो ये शर्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसके इसकी डिटेल्स को देखें कि इस प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके इमेज को देखें, कि फिर उसके बाद इसका जो टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, वो उसको रीड करें। फिर उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशंस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बाज़ का लोग कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, कि हमने मंगवाया कुछ है और मिला कुछ है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, इसकी जो डिटेल्स हैं, शर्ट का कपड़ा किस तरह का है, सीज़न कौन से में इस्तेमाल होगी, ठीक है। और भी इसके कलर, स्टाइल, बेसिक जो भी इसकी डिटेल्स हैं, तो वो आप स्पेसिफिकेशंस में ज़रूर रीड करें। ये करने के बाद फिर आप उसका एस्टिमेट डिलीवरी टाइम भी देखें, तो उसको भी रीड करें, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगे, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी ठीक लगे, तो फिर आप उसको बाय कर लें। तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर एड्रेस ऐड करना है, तो मेरा एड्रेस पहले से ऐड है, ठीक है। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करके इधर मैं न्यू एड्रेस भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एड्रेस अगर आप न्यू एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है फुल, फिर मोबाइल नंबर, फिर अपना जो प्रोविंस है वो ऐड करेंगे, फिर सिटी, फिर एरिया, और फिर एड्रेस जो आपके गली मोहल्ले का जो भी एड्रेस है। और अगर ऑफिस में मंगा रहे हैं तो ऑफिस पे क्लिक कर लें होम पे, तो सेव कर दें, ठीक है, इस एड्रेस को। ये काम करने के बाद फिर आपने नीचे इधर आना है, वो डिलीवरी का टाइम बता रहा है, ठीक है। डिलीवरी के टाइम के नीचे इधर नीचे बता रहा है एंटर वाउचर कोड। ये होता है कि बाद कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, दराज की कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो जिस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिल रहा हो उसका एक 10% 5% के नाम से वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तो जब आप उसको ओपन करते हैं डिस्काउंट को, तो एक वाउचर कोड होता है, ठीक है, वो कहता है वो कॉपी कर दें। कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है, तो आपको कुछ डिस्काउंट 50 रुपये का या 100 रुपये का 5000 के पीछे मिल जाता है। तो वो आपकी शॉपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने की शॉप करते हैं, तो उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इस प्रोडक्ट में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो इस वजह से इसका वाउचर कोड भी कोई नहीं होगा। ये दराज की कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो मैं अब प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा, तो इसकी जो शिपिंग फ़ी है वो भी उन्होंने बता दी हुई है, तो 577 रुपये बनते हैं। तो मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूँगा, जो मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा, तो आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वो कहेगा सेलेक्ट पेमेंट मेथड, कि आप किस तरह किस सोर्स के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले दराज वॉलेट है, अगर आप दराज वॉलेट में आपके पास कोई फंड्स वगैरह हैं तो आप इसके थ्रू पेमेंट कर दें। फिर उसके बाद ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैस कैश भी कर सकते हैं, HBL अकाउंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, HBL अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है। और अगर आपके डेबिट क्रेडिट इजी पैसा जैज कैश भी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे ये कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी, अगर आपके ये अकाउंट्स वगैरह नहीं है या अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप कैश पे भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे। मैं क्लिक करता हूं, कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद वो ऊपर कहेगा कि अगर आप कैश पे करना चाहते हैं तो ऑर्डर को कन्फर्म करें। तो जब आप ऑर्डर को कन्फर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है, तो आपको एक मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा कि आपके जो ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो चुकी है, और वो एक आपको ट्रैकिंग नंबर सेंड करेंगे। तो आप उस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू अपने ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। तो अब मैं बैक जाता हूँ। तो व्यूअर्स, यही था आज की इस वीडियो में कि आप किस तरह से अपने
دراز پہ آن لائن شاپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آرڈر کو پلیس کیا جاتا ہے. تو پلیس کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میری جو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. اور ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.